एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सुलागा सेव जिस मस्तक भाग सुलागा सेव गुरु जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सुलागा मस्तक भाग सुलागा सेव गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सुलागा सेव जिस मस्तक भाग सुलागा सेव सतगुर मेरा बेमोहताज सतगुर मेरे सच्चा साज सतगुर मेरा बेमोहताज सतगुर मेरे सच्चा साज सतगुर मेरा सबस का दाता सतगुर मेरा उर्ख विधाता सतगुर मेरा सबस का दाता सतगुर मेरा उर्ख विधाता सतगुर मेरा पुरख विधाता जिस मस्तक भाग सुलागा सेव जिस मस्तक भाग सुलागा सेव गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सुलागा जिस मस्तक भाग सुलागा सेव सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल सतगुर मेरा मर जीवा
सतगुरु मेरा सर्व प्रतपाल है, सतगुरु मेरा मर जीवाल है, सतगुरु मेरे की वडियाई प्रगट पई है सबनी थाई, सतगुरु मेरे की वडियाई प्रगट पई है सबनी थाई, प्रगट पई है सबनी थाई, जिस मस्तक भाग सुलागासे, जिस मस्तक भाग सुलागासे, गुर जैसा नहीं को देव, जिस मस्तक भाग सुलागासे, जिस मस्तक भाग सुलागासे, सतगुरु मेरा ताणन ताण, सतगुरु मेरा घर दीवान, सतगुरु मेरा ताणन ताण, सतगुरु मेरा घर दीवान, सतगुर कहो सदबल जाया प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया, सतगुर कहो सदबल जाया प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया, जिस मस्तक भाग सुलागासे, जिस मस्तक भाग सुलागासे, गुर जैसा नहीं को देव, जिस मस्तक भाग सुलागासे, मस्तक भाग सुलागासे। जिन गुर सेव्या तिस पौ न व्यापै, जिन गुर सेव्या तिस दुख न संतापै, जिन गुर सेव्या तिस पौ न व्यापै, जिन गुर सेव्या तिस दुख न संतापै, नानक सो दे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुरु नहीं भेद, नानक सो दे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुरु नहीं भेद, पार ब्रह्म जिस मस्तक भाग सुलागासे, जिस मस्तक भाग सुलागासे।
मस्तक पाग सुलावा से, जिस मस्तक पाग सुलावा से, गुर जैसा महाकरी सुख सार, महाकरी सुख सार, गुरु पीरा की चाकरी महाकरी, महाकरी सुख सार, महाकरी सुख सार। महाकरणी सुख सा, महाकरणी सुख सा, गुरु पीरा की चाकरी महाकरणी, महाकरणी सुख सा, महाकरणी सुख सा। जिस आपनी इस लाए हेत प्या, नदर करे जिस आपनी इस लाए हेत प्यार, इस लाए हेत प्यार, की चाकरी महाकरणी, महाकरणी सुख सार, महाकरणी सुख सार, गुरु पीरा की चाकरी महाकरणी, महाकरणी सुख सार, महाकरणी सुख सा। सतगुर की सेवा लग्या पाव जल तरे संसार, सतगुर की सेवा लगिया भव जल तरे संसार, भव जल तरे संसार, गुरु पीरा की चाकरी महाकरणी, महाकरणी सुख सार, महाकरणी सुख सार, गुरु पीरा की चाकरी महाकरणी, महाकरणी सुख सा, महाकरणी सुख सा। मन चिंदिया फल पाएसी अंतर विवेक विचार, मन चिंदिया फल पाएसी अंतर विवेक विचार, अंतर विवेक विचार, गुर पीर
दुनिया की चाकरी महाकरड़ी महाकरड़ी सुख सा महाकरड़ी सुख सा गुरपीरा की चाकरी महाकरड़ी महाकरड़ी सुख सा महाकरड़ी सुख सा महाकरड़ी सुख सा महाकरड़ी सुख सार 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 गुरपीरा की चाकरी महाकरड़ी महाकरड़ी सुख सा महाकरड़ी सुख सा साहब जी बाणी विच बख्शिश कर रहे हैं कि गुरु पीरां दी सेवा चाकरी है बड़ी करड़ी औखी है अलूनी शिल चटन वाली गल है खंडे दी तार ते तुरन वाली गल है गुरु पीरां दी चाकरी करनी सेवा करनी पर हजूर कहिंदन है कठिन पर सुख सार है सेवा करके मुर्शद दी आप ही नहीं तर जांदा कुटुंब ही नहीं तर जांदा अनेकां दा भला कर जांदा है सेवा करन वाला अनेकां नूं तर जांदा है तां भाई मां करड़ी हुकम मन्ना सेवक होके जे आराम पाल रिहा तां सेवक नहीं भिखारी होके अहंकार कर रिहा मन करदा भिखारी कहदा है जे तू गुरु दे दर दा गुरु नानक दे दर दा भिखारी बन गया तां अहंकार ना कर जे गुरु नानक दे दर दा सेवक बन गया तां फिर आराम ना पाल क्योंकि सेवक की आराम की भिखारी की मन की ए महाकरड़ी कार है गुरु दी कार करनी पाई लेना जी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे दर ते आए दर्शन कीते पता नहीं करोड़ां जन्मां दी कमाई सी जदों गुरु नानक दा दर्शन कीता तां फिर अपना तन मन सब कुछ गुरु दे अर्पण कर दिता सिर रख दिता गुरु नानक दे चरणां ते ते फिर चुकिया ने फिर हुक्म विच कितने इम्तिहान होए कितने परचे पाए गए सारिया परचियां विचों पाई लैणा जी पास हो गए गुर पीरां की चाकरी महाकरड़ी गुरु पीर दी चाकरी ते फिर उदां दे पाए होए पूर्णियां ते चलना इम्तिहान विचों पास होना यह बड़ा औखा है भाई लहना जी बड़े सुंदर बस्तर पहरे हुए हैं गुरु नानक दे दीदार नूं आए घर पहुंचे जगत माता सुलखनी ने कहा जी वह तो खेतों विच कम कर रहे हैं जदों खेतों विच गए तो धन गुरु नानक पातशाह झोने की पनीरी ला रहे सन पनीरी दी पंड बन्नी हुई है ते जां भाई लहना जी आए ये भी एक इम्तिहान सी
कोई जल पानी नहीं पूछया। आ भाई पुरखा आ तर लै सिर ते पंड, एडी पंड जिदे विचों चिकड़ चोरिया सी स्वच्छ सोहने वस्त्रां दे पाया होया उते। धन गुरु नानक पातशाह जी ने ओ पंड पाई लैने दे सिर ते रखा दिते। उच्चारण करो श्री महाराज। स्वच्छ वस्त्र पहने हुए सी किसे होर सेवक दे सिर ते रख देंदे। आ वेखो सारे वस्त्र चिकड़ नाल लिबड़ गए हन। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे ए चिकड़ नहीं ए ता केसर है। गुरु घर दी सेवा टोकरी चुकनी चाकरी करनी सेवा करनी ए ता केसर है। जदों घर आए जगत माता सुलखरी ने बेनती कीती स्वामी आए सन बठांदे कोई जल पानी पुछदे। आउंदिया ही एडी वड्डी पंड रखा दित्ती जे सिर ते पाई लैणे दे। ते धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे सुलखनीए ए पंड एहो ही चुक सकदा है क्योंकि इसने सारे संसार दी पंड चुकनी है। उच्चारण करो श्री। दुखां विच जल भर रहा है संसार ए सच नाल जोड़नगे। सुखां दे पाई वाल तां बहुत होंदे हन पर किसे दे दुखां दी पंड अपने सिर ते रख लेनी ते सुखां दियां चोलियां भर देनियां ए पाई लैणे जी दे हिस्से आया। हजूर ने बचन कीता पाई लैणे ने सारे संसार दी पंड चुकनी है। प्यारी साध संगत एक परचा ही सी ना स्वच्छ वस्त्र पहने होन दूर तो चल के आवे ते फिर आउंदिया नाल चिकड़ दी भरी होई पनीरी दी पंड सिर ते रख देनी। पाई लैणा जी ने सत बचन कीता तन भाग समझे। तो इसलिए हजूर कहंदे ने भाई गुरपीरां की इना चाकरियां नू इस सेवा नू कोई समझ सकदा है। गुरपीरां की चाकरी महाकरड़ी महाकरड़ी सुख सा महाकरड़ी सुख सा। गुरपीरां की चाकरी महाकरड़ी महाकरड़ी सुख सा महाकरड़ी सुख सा। सतनाम वाहेगुरु 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 सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। गुरपीरां की चाकरी महाकरड़ी महाकरड़ी सुख सा महाकरड़ी सुख सा। गुरपीरां की चाकरी महाकरड़ी महाकरड़ी सुख सा महाकरड़ी सुख सा। धन गुरु नानक पातशाह आज भाई लैणे ते होर परचा पाया। ये हुक्म दा परचा सी। धन गुरु नानक पातशाह जी
सभा लगी हुई है। संगतां जुड़ियां होईयां हन। एक प्रेमी ने आके टका मथा टेकिया, हजूर अपनी मुट्ठी विच बंद करके कहन लगे, भाई कोई दसो साड़ी मुट्ठी विच की है। श्री चंद पुत्र लक्ष्मी दास पुत्र तुसी दसो, बाबा बुढ़ा जी तुसी दसो, सारिया नूं कहा भाई दसो साड़ी मुट्ठी विच की है। ता यही जवाब मिलिया, महाराज तका है, तुहाड़ी मुट्ठी विच तका है। ते भाई लहणा जी नूं पुछया गया, लहणा जी साड़ी मुट्ठी विच की है? ता भाई लहणा जी दे नैन कटोरे भर आए, आख्या हे निरंकार स्वरूप, हे धन गुरु नानक पातशाह, तेरी मुट्ठी विच 14 लोकां दा धन है, जिनू मर्जी है तू दे दे। उचारण करो श्री वाहे, सात संगत बोलो श्री वाहे। इस तरह मालिक नू हाजर नाजर परमेश्वर दा रूप समझना, गुर परमेश्वर एको जान, ऐसी सम दृष्टि होनी, ऐसी बख्शिश उन्हां ते ही होंदी है जो करड़ी कार करदे हन। गुर पीरां की चाकरी महाकरड़ी, महाकरड़ी सुख सा, महाकरड़ी सुख सा। गुर पीरां की चाकरी महाकरड़ी, महाकरड़ी सुख सा, महाकरड़ी सुख सा। धन गुरु नानक पातशाह जी दे दर दी सेवा करदियां, भाई लहणा जी हर इम्तिहान विचों पास होए। एक वेरां दा जिक्र है, गुरु नानक सच्चे पातशाह लैणे नूं कहण लगे, बाहर जाके वेख कितनी कु रात होर है, ते अपनी सियाणप नहीं कीती, चतराई नहीं कीती। आके कहण लगे, गरीब निवाज, जितनी तुसी बिताई है बीत चुकी है, जितनी बाकी है वह भी तुहाडे हुक्म विच बीत रही है। उचारण करो श्री। अकाल पुरख वाहिगुरु दा रूप समझ के भाई लहणे ने सेवा कीती। अज अखीरला परचा है, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने बड़ा वैराट रूप धारण कर लिया। आप अगे अगे हन ते पिछे संगतां जा रही हैं। अगे जाके की तकिया, तांबे दा ढेर पिया, आख्या भाई तांबा चुको, लै जाओ, वेचो, घर दा निर्वाह करो, जाओ साडे मगर तुहानू की मिलेगा। जिहड़े तांबे दे इच्छक सन उन्हां ने चुकिया ते वापस मुड़ गए। अगे जाके की तकिया, चांदी दा ढेर पिया, आ चुक लो भाई चांदी, साडे नाल आके तुहानू की मिलेगा। चांदी दे व्यापारी चांदी लेके चले गए। अगे जाओ देखिया तां सोने दा ढेर पिया, भाई जितने को रहिंदे हो आ चुक लो सोने। चांदी सोने दे व्यापारी सोना लै गए। होर बियाबान जंगल विच जाके की तकिया, हीरियां मोतियां दी ढेरी पई है, मुठियां भर लो भाई, साडे कोलों तुहानू की मिलेगा। हीरे मोतियां दे व्यापारी ओ लै गए। हुण धन गुरु नानक पातशाह जी ने जदों मगर देखिया ना, होर तां सारे चले गए हन, पर एक भाई लहणा जी खड़े हन। लहणिया इतनियां दातां लुटाईयां हन, इतने पदार्थ वंडे हन,
कोई तू ही पदार्थ चुक के चला जांदा, तू साडे मगर आ गए। भाई लहना जी दे नैन कटोरे बाहर आए, ओ मेरा दे साईं, ओ गरीब निवाज सच्चे पातशाह, जेड़े कुछ लै के चले गए हन संसार ते, उन्हां दा कोई रिश्तेदार है, कोई घर बार है, कोई शाक संबंधी उन्हां दा है, कोई आसरा उन्हां दा है, पर मेरा तां तेरे बिना कोई होर आसरा ही नहीं। मैं किस तरह मुड़ जावां, मेरा तो सब कुछ तू ही है। जदों ए गल आखी तां धन गुरु नानक पातशाह जी ने भाई लहणे नूं अपने गल नाल ला लिया। लहणे को अपने अंग लगा, लहणे को अंगद कर दिया, दूसरे गुरु नानक बना दिता। ए दातां मिलदियां हन गुरु नानक दे दर ते सेवा करके, पर सेवक होके आराम ना पाले। इस दर दा भिखारी बन गया तां अहंकार ना करे, मान ना करे, ते फिर केड़ी वस्तु है जेड़ी नहीं मिलेगी भाई तेनू। इसलिए गुर पीरां की चाकरी, गुरु दे दर दी सेवा तां औखी है। गुर सिख लंघ गुरु पै जाई, समुद्र सागर होवे बहु खारा, बड़ा औखा है गुरु दे मार्ग ते चलना। इसे लई हजूर कहंदे ने, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर दरीजे सिर दीजे कान न कीजे। आख्या जे इस प्रेम दी गली विचों लंघना चाहना है तां फिर इस सिर दा सरफा कदे ना मंगी, जे सिर भी लग जाए तां वी ये सस्ता सौदा समझी। सात संगत बोलो श्री वाहेगुरु। सिर दीजे कान ना कीजे, ते फिर जिन्हां ने आपा गुरु दे अर्पण कर दिता प्यारी सात संगत, फिर ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। ओ दाता नहीं, दाता वंडन वाले बन गए, दातार बन गए, जिन्हां ने गुरु नानक दे दर दी सेवा कीती है। इसलिए हजूर बख्शिश कर दे अन भाई, गुर पीरां दी चाकरी है ता करड़ी, पर जिन्हां ने कर ली ओ सिर्फ कुला ही नहीं तार गए, सारे संसार दे तारनहार बन गए। गुर पीरां की चाकरी महाकरड़ी, महाकरड़ी सुख सार, महाकरड़ी सुख सार। गुर पीरां की चाकरी महाकरड़ी, महाकरड़ी सुख सार, मां करड़ी सुख सा। नानक सतगुर मिलिए प्रभ पाइए, सब दुख निवारण हा। नानक सतगुर मिलिए प्रभ पाइए, सब दुख निवारण हार, सब दुख निवारण हार। गुर पीरां की चाकरी महाकरड़ी, महाकरड़ी सुख सार, महाकरड़ी सुख सार। गुर पीरां की चाकरी महाकरड़ी, महाकरड़ी सुख सार, महाकरड़ी सुख सार। अमरदास पातशाह जी ने किवें फिर अगे सेवा कीती गुरु अंगद देव महाराज दी। सिद्धक पावना, अपने शरीर दी परवाह नहीं, लोकां दे बोल कबोलां दी परवाह नहीं, हर वेले सेवा विच डटे रहे, जुड़े रहे सेवा विच।
ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਤਨੇ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਤ, ਨਿਪਤਿਆਂ ਦੀ ਪਤ, ਨਿਧਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ, ਏਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾਕਰੜੀ, ਮਹਾਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਮਹਾਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾਕਰੜੀ, ਮਹਾਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਮਹਾਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਪੁੱਤਰ ਆ ਲੋਟਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੱਢ ਲਿਆਏਗਾ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਲੈ ਬਈ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਐਵੇਂ ਲਿਬੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ। ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਲੈਣਿਆ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਈ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਤ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਤਾਰਨ ਤਹਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਸਦਕੇ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਏ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਸ ਨਦਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਮਝ ਕੇ, ਸੰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਗਏ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਦਰ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ
महाकरणी महाकरणी सुख सा महाकरणी सुख सा गुरु पीरा की चाकरी महाकरणी महाकरणी सुख सा महाकरणी सुख सा सतनाम वाहेगुरु 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 सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु गुरु पीरा की चाकरी महाकरणी महाकरणी सुख सा महाकरणी सुख सा महाकरणी सुख सा शुकराना शुकराना सतगुरु तेरा शुकराना सारे बोलो शुकराना शुकराना सतगुरु तेरा शुकराना सारे बोलो आज भी तेरा शुकराना कल भी तेरा शुकराना रोज रोज तेरा शुकराना 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 सतगुरु तेरा शुकराना हर सुबह तेरा शुकराना हर शाम तेरा शुकराना हर सुबह तेरा शुकराना हर शाम तेरा शुकराना हर सुबह तेरा शुकराना हर शाम तेरा शुकराना सतगुरु तेरा शुकराना घड़िया तेरा शुकराना पल पल तेरा शुकराना घड़िया घड़िया तेरा शुकराना पल पल तेरा शुकराना सबसे पहले तो उसने हमको मानुख जन्म बख्शी दे अरोगता बख्शी
फिर हमें गुरु नानक जैसा गुरु बख्शे। फिर उसने हमें संतों का सत्संग बख्शे। सत्संग बोलो श्री। दुनियावी चीजें मिल जानी कोई बड़ी बात नहीं। धनधन बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, थोड़े भागों से पुत्र मिल जाता है, थोड़े भाग हो मकान अपना बन जाता है, थोड़े भाग हो नौकरी अच्छी लग जाती है, पर जब बड़े भाग होते हैं तो सत्संग की ये घड़ी नसीब होती है। तो शुक्राना करें अपने गुरु का, हे सतगुरु आपने कृपा करके हमें इस वक्त अपनी शरण में रखा है, नहीं तो कोई इस वक्त अस्पतालों में पड़ा है, कितनी पीड़ा सह रहा है, कोई क्लबों में बैठा शराबें पी रहा है, कोई व्यभिचारों में बरत रहा है, कोई कहां भटक रहा है, पर तूने कितनी कृपा की हमारे अवगुणों को ना देखते हुए भी हमको अपने चरणों में जगह बख्शी है। कृपा करनी जिस तरह आज बख्शी है ना जगह, इस तरह रोज थोड़ी सी जगह दे दिया, बहुत सारी नहीं मांगते, उच्चारण करो श्री नामदेव जी कहते हैं, भगत नामदेव जी, जहां जहां ध्रुव नारद टेके नेक टिकावो मोरे। हे प्रभु जहां ध्रुव भगत को रखा है ना, जहां नारद मुनि जी को रखा है, बस उसी सत्संग में ना मुझे भी एक छोटी सी पीड़े जितनी जगह बख्श दे, ताकि मैं चौकड़ा मार के बैठ जाया करूं, लातें फैला के बैठने के लिए, आराम से लेटने के लिए जगह नहीं मांगता, बस थोड़ी सी जगह मांगता हूं कि तेरे चरणों में बैठने की जगह मिल जाए। साथ संगीत शुक्राना करो। एक नौकरानी राजे के दरबार में रोज झाड़ू दिया करती थी, संत हमारे कथा सुनाते थे, संत सुजान सिंह जी। राजे को तरस आ गया, बिचारी बुढ़ी हो गई है, उसने एक कीमती सुच्चा लाल दे दिया, उसको फेंक दिया, वो पल्ले से बांध के घर ले गई। राजे ने कहा चलो इसकी गरीबी कट गई, अब ये झाड़ू नहीं देगी, सुख से बाकी का जीवन निर्वाह करेगी, बहुत धन मिल गया इसको, सुच्चा लाल दे दिया। तो राजे ने क्या देखा, अगले दिन सुबह वो नौकरानी फिर झाड़ू दे रही है। पूछा अरे तुझे कल इतना कीमती लाल दिया तो आज फिर झाड़ू देने आ गई, अभी तेरा पेट नहीं भरा? बोले नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, धन तो बहुत मिल गया, साथ पुश्तें बैठ के भी खाएं तो ना खत्म हो, पर मैं तो झाड़ू इसलिए देने रोज आती हूँ, आज भी दे रही हूँ कि जिस झाड़ू देने की कृपा से मुझे लाल मिला है वो झाड़ू कैसे छोड़ दूं। तेरे दरबार में कोई एक लाल है, पता नहीं फिर कब कृपा कर दे। तो हमारे संत बोलते थे भाई ये गुरु का शुक्राना नहीं करने आया, इतनी दातें गुरु से ले ली, मानुख जन्म भी ले लिया, श्वास भी ले लिए, देरोगता भी ले ली, धियां पुत्र भी ले लिए, मकान भी ले लिए, मोटर गाड़ियां भी ले ली, फिर एक बारी शुक्राना नहीं करने आया तो अकल तो नौकरानी जैसी भी ना रही ना भाई, इतनी अकल तो रख लो। एक छोटे से बच्चे को चॉकलेट दे दें वो भी प्यार से कह देता है अंकल थैंक यू। तो तुम्हें गुरु नानक, तुम्हें परमेश्वर, तुम्हें सतगुरु इतना कुछ दे रहा है, सुबह उठ के एक बारी तो कह दियो शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना। ना हो मीठे मीठे पदार्थ खाने वक्त तो शुक्राना कर दे,
क्योंकि ये जीवन है कभी पाना भी मनन का समा आ जाता है। बोलो श्री वाहेगुरु। लुकमान हकीम हुए हैं बहुत बड़े, उसको मंडी में से मालिक खरीद के लाए, गुलामों की मंडी से लुकमान हकीम को। छोटा सा था तो मालिक कहने लगा, लुकमान आज मुझे मन करता है मैं खरबूजा खाऊं, लेके आओ। तो वो गया ले आया, मालिक के आगे रखा। मालिक ने जब खरबूजे को काटा, फाड़ी मुंह में डाली, बड़ा कड़वा, सारे खरबूजे मीठे नहीं होते। इसलिए संगत में भी सारे सेवादार मीठे नहीं होते, कई कड़वे भी होते हैं। बोलो प्यार से श्री वाहेगुरु। तो जब उसने फाड़ी मुंह में रखी तो बड़ी कड़वी, तो थोड़ी सी भी अंदर ना जाए उसने बाहर जाके थूक दी, और जितना खरबूजा बाकी था खाना मालिक ने अपने गुलाम को दे दिया, बोला ये तू खा। तो उसने मालिक के चरणों में बैठ के सारा ही खरबूजा इतने प्यार से खाया जैसे मिश्री से भी मीठा। अब ध्यान देना, तो मालिक कहने हैरान हो गया, अरे लुकमान तुम्हें ये कड़वा नहीं लगा? बोला मालिक जब तू रोज मीठे मीठे पदार्थ देता था तो आज कड़वा दे दिया तो क्या हुआ, वो भी तो तेरे ही हाथों से आया है, वो भी मुझे मीठा है। तो गुरु के भाणे को मानना सच्ची भक्ति उसी की है जिसने गुरु के भाणे को मीठा करके मनिया है, शुक्राना किया। गुरु अर्जन देव जी ततियां लोगों पे भी बैठ के कह रहे हैं तेरा किया मीठा। हम तो कहते हैं सुख हमें दे, दुख हमारे पड़ोसी को दे दे। उच्चारण करो श्री, नहीं ये भक्ति भाव नहीं, ये प्रेम भावना नहीं है गुरु की तरफ। जब प्रेम भावना होगी गुरु से तो सबके लिए सद्भावना होगी, सद्भावना के साथ शुभ मनोकामना होगी, शुद्ध मनोकामना के बाद त्याग होगा, त्याग के बाद प्रेम प्राप्त होगा। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। तो गुरु कृपा करे आप सभी संपन्न रहें, गुरु नानक मेरा करे आप सबको संपन्न रखे, संपन्न के साथ आपको प्रसन्न भी रखे। नहीं तो धन पर आधारित बहुत मिल जाते हैं पर प्रसन्नता नहीं होती मन में। उच्चारण करो श्री। बड़े बड़े अमीर देखे हैं, पूछा भाई ये कितना अमीर है, बोला जी 16,000 करोड़ रुपया है, और शक्ल उसकी ऐसी है जैसे 3 दिन से रोटी नहीं मिल रही, ऐसे मुख मुरझाए। धन से खुशी नहीं आती, नाम जपने से चेहरे पे खुशी है। उच्चारण करो श्री। तो आप सब संपन्न रहें, हरे भरे रहें, फले फूले रहें, साथ में संपन्न के साथ प्रसन्न भी रहें, प्रसन्न के बाद परपन भी रहें। परपन का मतलब है अपने गुरु से जुड़े रहें और करते रहें उसका शुक्राना। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, बोलो सतगुरु तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना कल भी तेरा शुक्राना। रोज रोज तेरा शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु 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 सतगुरु तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना।
सतगुर तेरा शुकराना, सतगुर तेरा शुकराना, सतगुर तेरा शुकराना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा Oh।
गुरु जी सदा गुरु जी की। गुरु जी।